हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्यूटोरियल्स। गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 17 है, जिसमें कि हमारी जो अभी रिमाइंडर थ्योरम है वो अभी हमारी कंटिन्यू में चल रही है गाइस, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम में आज हम जो फर्मेट की जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हम पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा विल्सन की जो थ्योरम है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम डायरेक्टली यही वीडियो पार्ट नंबर 17 देख रहे हैं, तो इससे पहले पार्ट 16 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वरना आपको समझने में कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है। ओके, तो पहले आप वो ज़रूर देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गाइज एटलीस्ट अब तो सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसी वीडियो आती है। ओके, उसके अलावा हमारा ग्रुप है गाइस फेसबुक के ऊपर MAL ट्यूटोरियल्स के नाम से, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, डिस्कशन कोई आप चाहते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में ये भी आप प्लीज़ बताइए कि वीडियो समझ में आ रहा है, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कोई चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वो बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपको बना के डाल सकता हूँ। ओके, उसके अलावा गाइज ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर फ़िलहाल इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, बाकी धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हो जाएंगे, और मैथ्स की बुकलेट भी PDF फॉर्मेट में जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है, अभी काम चल रहा है उनके ऊपर गाइज। और अगर आप इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर हमसे MAL ट्यूटोरियल से, तो आप यहाँ पे हमसे जो है व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा कैसे क्या होता है। ओके, चलो गाइस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम गाइस पढ़ेंगे सबसे पहले तो फर्मेट की रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, इसको गाइस फर्मेट्स लिटिल थ्योरम भी कहते हैं, और इसको फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। तो देखो इसका कहने का इसमें क्या होता है, फर्मेट थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम है तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर निकाल के बताएगा आपको, ठीक है। तो देखो इसमें ये कहता है, देखो इस फर्मेट थ्योरम से आपका जो है SSC में तो क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब अब तक नहीं आया है, एक आध क्वेश्चन शायद कभी आया हो पहले, बट मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है, बट कैट वगैरह में बड़े आसानी के साथ मिल जाता है आपको, ठीक है, CDS वगैरह में बड़ी आसानी के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाता है इसका। ओके, और क्या बोलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जो है अब बेसिक क्वेश्चन जो है शायद आ सकता है SSC में, ऐसा मेरा अनुमान है, इस साल नहीं तो अगले साल, क्यों, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो क्वेश्चन बाकायदा आ सकता है, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें गाइज फर्मेट थ्योरम में ये कहता है कि सपोज़ करो एक प्राइम नंबर है पी, ठीक है, एक प्राइम नंबर है पी, ओके, तो उस प्राइम नंबर से हमने एक कोई दूसरा नंबर है ए, जो कि पी और ए जो है आपस में को प्राइम है, ठीक है, तो उसमें हमने डिवाइड दिया, और उस ए की जो पावर है वो पी माइनस वन, यानी कि पी से एक कम है, ठीक है। अगर ऐसी कहीं पे इक्वेशन बनती है तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा वन होगा, ठीक है, जैसे कि पी की एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है तो इसको इग्नोर मार देना, ठीक है, इंग्लिश की भी काम चलाऊ है लेकिन काम चल जाता है, इंग्लिश हिंदी की में काम भी नहीं चलता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर मारना। तो देखो ये कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर P है, ठीक है, और एक उसका कोई को प्राइम है A, और उस A की पावर जो है P से एक कम है, तो उसमें अगर हम P का डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो वन आएगा, ठीक। तो देखो पहले तो ये देख लेते हैं प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने कहा एक नंबर है 3, ठीक है, मैंने आपसे कहा इस नंबर के फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक तो है 1, दूसरा है 3, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा 5, इसके फैक्टर करो, तो 5 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो है 1, एक है 5 खुद, ठीक है। तो जो ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद जिस नंबर की बात हो रही है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब इनमें किसी का विभाज, मतलब इनमें किसी से हम भाग नहीं दे सकते, ठीक है, ये इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसमें कि एक और वो नंबर जो खुद है उसके अलावा किसी भी और नंबर का परफेक्ट डिवाइड नहीं जाता है,
ठीक है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता। अगर एक या फिर उस खुद नंबर से तुम किसी और से डिवाइड दोगे तो उसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ 13, अब एक के अलावा और एक से डिवाइड दोगे तो 13 टाइम्स डिवाइड जाएगा, और एक खुद 13 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 13 बन जा 13। इसके अलावा किसी और नंबर से अगर डिवाइड दोगे, ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, परफेक्ट डिवाइड नहीं जाएगा। जैसे कि अगर आप 4 से डिवाइड दोगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, 5 से दोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ओके, अच्छा, दूसरा को प्राइम नंबर। तो देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक नंबर है 4, ठीक है, और एक नंबर है 7। तो मैंने आपसे कहा इन दोनों के फैक्टर निकालो। तो देखो 7 का फैक्टर क्या है? 1, और दूसरा फैक्टर है 7 खुद। इस 4 का फैक्टर क्या है? 1, 2 और 4 है वो खुद, ठीक है। तो देखो अब इनके फैक्टर में देखो क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है। उसके अलावा क्या कोई और फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन हो? ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो जब दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के, तो ऐसी संख्याएं आपस में कैसी होती हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 8 ले लिया अपन ने और 19 ले लिया, तो 8 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1 भी है 8 का फैक्टर, 2 भी है 8 का फैक्टर, 4 भी है 8 का फैक्टर और 8 खुद भी है। 19 का फैक्टर क्या क्या है? एक खुद है, एक क्या है? 19 खुद है। अब देखो इन दोनों के फैक्टर में क्या चीज़ कॉमन है? एक के अलावा कुछ और भी कॉमन नहीं है। तो ये नंबर कैसे होंगे आपस में? को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो देखो अब आप देखो फर्मेट थ्योरम आपसे क्या कहती है। फर्मेट थ्योरम आपसे कहती है कि सबसे पहले आपने एक नंबर लिया जो कि कैसा है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। सपोज करो आपने नंबर ले लिया 5, ठीक है। अब कह रही है कोई एक ऐसा नंबर लो जो कि इसका क्या हो? को प्राइम हो, ठीक है। तो इसका को प्राइम क्या नंबर हो सकता है आप सोचो? तो इसका को प्राइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसका को प्राइम, जैसे कि अपन ने 8 ले लिया, तो 8 के फैक्टर में क्या क्या होता है? 1, 2, 4 और 8, और 5 के फैक्टर में 1 और 5। तो सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो 8 और 5 आपस में कैसे हैं? को प्राइम नंबर हैं। अच्छा, ये हो गया। अगर इस ऊपर वाले नंबर की जो पावर है वो p-1, p से 1 कम है, यानी कि 4 है, ओके, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना गाइस, वो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। ये क्या कहती है? ये फर्मेट की थ्योरम आपसे कहती है, ओके। तो अपने को बस ये याद रखना है, जहाँ पे ये दोनों को प्राइम है और नीचे वाला प्राइम नंबर है, और जो इसकी पावर है ये इस नंबर से 1 कम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अपने को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिमाइंडर अपने को 1 लगाना है, ओके। ये इस क्या है? ये फर्मेट की लिटिल थ्योरम है, या फर्मेट की रिमाइंडर थ्योरम इसको बोल सकते हैं। और देखो इसके ऊपर हम कुछ सवाल करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे कहा, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, देखो ये 11 है, ठीक है। तो ये जो 11 है इसमें क्या है गाइस, ये जो 4 है, ठीक है, ये 11 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। ये 4 और इसमें क्या, ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसकी पावर कितनी है? 10 है, यानी कि इससे 1 कम है। तो इस पे फर्मेट की जो थ्योरम है वो डायरेक्टली लग रही है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1, ओके। अब देखो यहाँ पे पी क्या है? 17 है पी, ठीक है। ए क्या है? 8 है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये a माइनस 1 है इसकी पावर, तो बिल्कुल है। p कितना है? 17, 17 माइनस 1 कितने होते हैं? 16। तो बिल्कुल फर्मेट की थ्योरम इस पर अप्लाई हो रही है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है? 97 एक गाइस प्राइम नंबर है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो 25 और इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के तो बस दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो ये खुद होगा और एक इसका 1 होगा। तो 97 तो इसका फैक्टर है नहीं, ठीक। दूसरा, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? इस प्राइम नंबर से 1 कम। तो इस प्राइम नंबर से 1 कम कितनी है? 96। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1, फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो सीधा आपको आंसर 1 टिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देख लो,
देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 131 गाइज एक प्राइम नंबर है, अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, ठीक है। 43, अब देखो 43 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ओके। तो इन दोनों के बीच, जब दोनों ही प्राइम है तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इसकी पावर कितनी है, इससे एक कम है, बिल्कुल। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। डायरेक्टली बिना देखे सोचे समझे आपकी डायरेक्टली जो है थ्योरम अप्लाई हो रही है, ओके। अब देखो इस, ये तो क्वेश्चन था गाइस जो डायरेक्टली थ्योरम लग रही है, ओके। अब देखो इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल भी बन सकता है, थोड़ा सा हार्ड मतलब इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, अब आपको वो ये नहीं देगा, ठीक है। देखो ये तो है गाइस शॉर्टकट, एक तरीके से शॉर्टकट है, आपने फॉर्मेट की थ्योरम लगाई सीधा आपका आंसर आ गया 1। अब देखो आजकल पेपर कैसा आने लग गया है, वो डायरेक्टली आपको शॉर्टकट अप्लाई जो होता है वो चीज़ नहीं देता, वो आपको उससे एक दो स्टेप पहले की चीज़ देता है। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, फिर अपना शॉर्टकट आपको लगाना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वरना आप जो है बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, ओके। क्योंकि धीरे धीरे जो है वो लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा तैयारी करके एग्जाम देते हैं इसलिए, ठीक। देखो तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, इसमें क्या करता है गाइस, वो इंडिसेस का एक फॉर्मूला यूज़ करता है, जो कि मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखो अब इसी क्वेश्चन को इसने यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। अब देखो ये तो प्राइम नंबर है, ये और ये को प्राइम भी हैं, बट ये ए माइनस वन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे उसने 20 दिया है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन इस वाले इंडिसेस के फॉर्मूले से इसको इस चीज़ में चेंज करेंगे, कैसे। देखो ये जो 4 20 है, ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 10 प्लस 10 इस फॉर्म में, ठीक है, तो अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 की पावर 10 इंटू 4 की पावर 10। तो बेस सेम है तो 10 और 10 20 हो जाएंगे, ओके। अच्छा नीचे क्या है, 11 है, नीचे 11 है, तो देखो इसको देखो, ये प्राइम नंबर, ये और ये को प्राइम, और ये अब इससे एक कम है, 10 आ गया ना, हाँ जी। तो इसका वो क्या आएगा रिमाइंडर, 1। सेम ये है, इसका रिमाइंडर भी 1 1 इंटू 1, यहाँ से तो अपने को सॉल्व करना आता ही है फिर, ठीक है। अब स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं अपन, 1 इंटू 1 क्या होगा, रिमाइंडर क्या रहेगा, 1, बस खत्म। अब देखो ये वाला है 8 की पावर 48, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए था कितना 16, लेकिन है कितना 48। लेकिन आप गौर से देखो तो 16 3 जाए तो 48 होता है, यानी कि 16 को 3 बार ऐड किया गया है। तो अगर अपन इसको ऐसे कर दें कि 8 की पावर 16 इंटू 8 की पावर 16 इंटू 8 की पावर 16 अपॉन 17, तो इसका मतलब क्या है कि 8 की पावर 16 प्लस 16 प्लस 16, यानी कि 48, ये इसका मतलब है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट की थ्योरम अप्लाई हो गई, 17 एक प्राइम नंबर है, 8 और 17 आपस में को प्राइम है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये कितने हैं, 16, एक कम भी है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 1 1, और ये अपने को सॉल्व करना आता ही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1 गाइस, ओके। अच्छा अब देखो अब क्या करता है, अब वो इसका एक लेवल और बढ़ाता है, ठीक है। अब आप यहाँ से सीख गए हो तो अब वो क्या करेगा, आपको एक लेवल थोड़ा सा और पीछे ले जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका बेस क्लियर है तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर दोगे। अब देखो यहाँ पे 97, यहाँ पे भी 97, लेकिन होना चाहिए था 96, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक आपस में दोनों को प्राइम है, ठीक है, होना चाहिए था 96, है यहाँ पे 97, तो अपने को पहले 96 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो बहुत सिंपल सा है, 25 की पावर 96 इंटू 25 की पावर 1, इसका मतलब क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 96 प्लस 1 97, बात एक ही है, अपॉन 97। अब देखो यहाँ पे तो फॉर्मेट की थ्योरम लग गई, तो क्या आ गया रिमाइंडर, 1 आ गया। यहाँ पे 25 की पावर कितनी होती है, 1। अब 25 में जब 97 का भाग देंगे, डिवाइड देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 ही आएगा, ये तो पता है सबको, ठीक है। तो अब जो फाइनल रिमाइंडर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 इंटू 1, यानी कि 25, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब इसने क्या है, थोड़ा सा और बढ़ाया है इसको, 25 की पावर अब कितनी दी है, 193, सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है, 25 की पावर है 193, और 97 उसने यहाँ पे नीचे दिया है, ठीक है।
होना चाहिए था यहाँ पे 96, ठीक है। अगर आप गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, ठीक है, हल्का सा आप यहाँ पे गौर फरमाओ, तो आपको पता लगेगा कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 25 की पावर 192 इंटू 25 की पावर 1 अपॉन 97। हमने 192 क्यों लिखा है, क्योंकि 96 को अगर आप दो बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, 192 आएगा। तो यानी कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 25 की पावर 96 इंटू 25 की पावर 96 इंटू 25 की पावर 1 अपॉन 97। इसका मतलब क्या है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 96 प्लस 96 192 प्लस 1 193, यानी कि एक ही बात है। अब इसमें लग गई गाइस फर्मेट की थ्योरम, ये प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1, यहाँ पे 25 की पावर 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा 25, तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा 25 इंटू 1 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 25। ओके, यहाँ पे देखो वही पहले वाला क्वेश्चन है, उसको मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, उसका जो नेक्स्ट लेवल है, अपडेटेड जो लेवल है, ठीक है, 2.0 वाला जो लेवल है वो क्या है, ये है। तो इसमें क्या होगा 131, ठीक है, यहाँ भी 131 आना चाहिए था, 130। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, 43 की पावर 130 रखो इंटू 43 की पावर 1, इससे गाइज मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 131 और ये हो गया। अब आपको पता है ये तो फर्मेट की थ्योरम लग गई, ये प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम, ये से एक कम, रिमाइंडर आ गया 1। अब 43 में 131 का डिवाइड देंगे तो आपका वो क्या आएगा, रिमाइंडर 43 ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो 43 इंटू 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 43। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ पे आना कितना चाहिए था गाइज 130, आया है 261। अब पता है आपको, अगर आप 130 को गाइज दो बार जोड़ देंगे, यानी कि उसमें दो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 260 आ जाएगा, और ये इससे एक ज़्यादा है, तो बस एक को हटा लो साइड में। तो 43 की पावर अगर 130 रखो इंटू फिर 43 की पावर 130 रखो और इंटू 43 की पावर 1 रखो और अपॉन 131 रख दो, तो एक ही बात है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी 130 260 और एक 261, इसके बराबर ये 131। ये यहाँ पे फॉर्मेट की थ्योरम लग गई, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये कैसे है? दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे 43 आएगा, ठीक है, 43 की पावर 1 यानी कि 43, इसमें डिवाइड देंगे 131 का, तो 43 रिमाइंडर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 43 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 43। ओके, अब देखो ये, देखो ये वाला क्वेश्चन 391। अब आपको पता है 130 आना चाहिए था, अब 130 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 390 आएगा, ठीक है, यानी कि क्या है, बस 43 की पावर 130 इंटू 43 की पावर 130 इंटू 43 की पावर 130 इंटू 43 की पावर 1 अपॉन 131। तो 130 प्लस 130 प्लस 130 कितने हो गए 390, और 391 सेम चीज़ है, एक ही बात है। यहाँ पे आपकी क्या लग गई गाइस, अब फर्मेट की थ्योरम लग गई, ठीक है, ये कैसा है प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम, ये से एक कम, ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे क्या आएगा 43 में जब डिवाइड दोगे 131 का, फाइनल आंसर क्या आएगा 43, ठीक है। अच्छा, अब गाइस एग्जामिनर ने ये भी समझ लिया कि यार आप ऐसे करके आंसर निकाल रहे हो, तब उसने क्या किया, इंडिसेस की दूसरी वाली पावर लगा दी, दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब देखो हल्का सा उसने उसको ट्विस्ट कर दिया, अब ऐसे आप कब तक लिखोगे, अगर उसने 20-30 ऐसे दे दिए तो 20-30 कहाँ से लिखोगे, ठीक है। तो या तो आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो, रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और एक फाइनल बार जो आप निकाल लोगे कि 1 होगा या फिर 2 होगा वो रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, उसने बोला 431301 अपॉन 131, इसका क्या मतलब है। तो गाइज अगर आप देखो तो देखो 43 आपने यहाँ पे लिख लिया 1300 इंटू 43 की पावर 1 अपॉन 131, ठीक है। अब अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप देखते ही यहाँ से समझ सकते हो कि इसका आंसर 43 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि आपने समझ लिया 131 का एक माइनस करेंगे 130 हो जाएगा 130 इंटू 10 और ये प्लस का 1 रह जाएगा, यानी कि 43 इसका रिमाइंडर। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो देखो
ये आपने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ओके। यहाँ पे कितना है 1300, होना कितना चाहिए था 130। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो 43 की पावर 130, इसकी पावर 10, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गाइस 43 की पावर 130 × 10 यानी कि 1300, ठीक है, इसका मतलब है ये। अच्छा, यहाँ पे एक 43 की पावर 1 अलग से है ही, ठीक है, इतना अपॉन 131, ठीक है, इसको अलग कर दो। ये तो मैं आपको इसका मतलब बता रहा था कि इसका मतलब यही है, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब देखो इसमें डिवाइड दोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 43, इसमें डिवाइड दोगे तो यहाँ पे 130 है, ये प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, अब 1 की पावर कितनी है 10। अब 1 की पावर चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो चाहे 10 हो, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो 43 × 1 आपका आंसर हो गया 43, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आपको प्रैक्टिस है तो गाइस आपको इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं साफ साफ दिख रहा है कि 43 जो है वही इसका आंसर होने वाला है गाइस, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं विल्सन की थ्योरम के ऊपर, ठीक है, कि विल्सन की थ्योरम क्या कहती है। तो देखो विल्सन की थ्योरम गाइस ये कहती है कि अगर कोई, एक मिनट पेन पहले तो काम करना, हल्का सा काम कर दिया। विल्सन की थ्योरम कहती है कि अगर कोई नंबर है पी जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अच्छा, अगर हम उस प्राइम नंबर में, ठीक है, उसको उसका हम भाग दें, डिवाइड दें किसमें, उसमें से एक नंबर पहले करें कम और फिर उस पूरे का हम फैक्टोरियल निकाल दें, और है ना, उस पूरे के फैक्टोरियल में हम पी का डिवाइड दें तो जो आपका रिमाइंडर आएगा ना वो पी माइनस वन आएगा, यानी कि प्राइम नंबर का एक कम आएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो ये समझ लो फैक्टोरियल क्या होता है गाइस। फैक्टोरियल होता है ये, देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखो पहली बात तो अगर हमने ऐसे लिखा है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि ये 4 का फैक्टोरियल है। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे तो ये भी क्या है, 4 का फैक्टोरियल है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख देते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, 4 का फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि जब आप 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से करोगे, ठीक है, तो फिर जो आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, जैसे कि 4 × 3 = 12 × 2 = 24, ठीक है, तो ये क्या है, ये 4 का फैक्टोरियल है। 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 से पहले के जितने भी नंबर हैं एक तक सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इतना लंबा लिखने की बजाय अपन सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं कि 4 का फैक्टोरियल, या फिर 4 को ऐसे लिख दिया इसका फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है 24, यानी कि 4 × 3 × 2, यहाँ पे 5 हो तो 5 × 4 × 3 × 2, 3 हो तो 3 × 2 × 1, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो विल्सन की थ्योरम क्या कहती है, विल्सन की थ्योरम कहती है कि आपने कोई एक नंबर लिया पी जो कि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, फिर आपने उसमें से एक घटाया पी माइनस वन किया, फिर उसका फैक्टोरियल निकाला, फिर उस फैक्टोरियल में आपने उस पी का भाग दिया तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, पी से एक कम आएगा, ठीक है। जैसे कि इसके मैं आपको सवाल बताता हूं, देखो ये कह रहा है यहां पे कि देखो ये फैक्टोरियल 2 है, इसको हमने 3 का भाग दिया, तो देखो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसमें से पहले हमने एक कम किया, ये p है तो हमने p माइनस वन किया, फिर इसका निकाला फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1 यानी कि कितना होगा 2, इसमें हमने 3 का भाग दिया यानी कि इस प्राइम नंबर का, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या आएगा, वो p माइनस वन यानी कि 3 − 1 यानी कि 2 आएगा। तो देखो अब 2 में आप 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा, है ना। तो ये मतलब थ्योरम जो है एकदम सही है, सही बात कर रही है थ्योरम, तो बस यही बात आपको पकड़ के रखनी है। देखो यहाँ भी देख लो आप चाहे तो, जैसे कि आपने किया 4 × 3 × 2 × 1 / 5, तो ये कितना होगा 24, तो 24 / 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4। अब देखो p माइनस वन, तो p माइनस 5 − 1 करोगे तो 4 ही आ रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर ये चीज़ आपकी सही है, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि 6 का फैक्टोरियल, उसमें हमने 7 का डिवाइड दिया, तो 7 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है, 7 से एक कम किया यानी कि p माइनस वन किया, फिर उसका फैक्टोरियल निकाल दिया, तो 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें अगर हमने उस p यानी कि 7 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा,
पी माइनस वन यानी कि 6 आएगा, 7 माइनस वन। यहाँ पे देखो 11 एक प्राइम नंबर है, 10 का फैक्टोरियल यानी कि p माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना है, फिर भाग भी दे रखा है, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 11 माइनस वन यानी कि क्या आ गया 10। यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर है, p माइनस वन 12, इसका फैक्टोरियल डिवाइड किया तो इसका आंसर जो आएगा रिमाइंडर वो क्या आएगा 13 माइनस वन यानी कि 12, ये इसका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके कुछ एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और जो ये विल्सन की जो थ्योरम है ना, ये गाइज आपके एसएससी के एग्जाम में भी आ जाती है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि जो आपका जो पी है उसमें आपने पी माइनस करके जो फैक्टोरियल निकाला है, अगर आप उसमें सिर्फ एक ऐड कर दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा। यानी कि जैसे कि अपन ने ये वाला निकाला था, तो अपन ने इसका फैक्टोरियल निकाला 2 का, अब अगर अब उस 2 में अपन एक ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो। ठीक है, सिर्फ इतना सा कह रहा है। तो देखो ये आपका p है, p माइनस वन करना है, फिर उसका फैक्टोरियल निकालना है, उसके बाद उसमें एक ऐड कर देना है। यानी कि इस तरीके से p आपका प्राइम नंबर, 3 आपका प्राइम नंबर है, इस तरीके से तो 2 का फैक्टोरियल निकाल के उसमें एक ऐड कर दें और फिर उसमें उस प्राइम नंबर का डिवाइड दें, तो आपका रिमाइंडर अब कितना आएगा, अब p माइनस वन नहीं आएगा, अब सीधा जीरो आ जाएगा। जैसे कि देखो 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 2 × 1 कितना हो गया 2, अब इसमें 1 ऐड कर दें तो कितना हो गया 3, अब इस 3 में अगर आप 3 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देख लो एक बार चेक करके, तो 4 का वो कितना होता है फैक्टोरियल आपको पता है 24 अभी निकाला था ऊपर। ठीक है, अब 24 में एक जोड़ दो और फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, तो 24 और 1 25, तो इसमें तो इसमें जो डिवाइड है वो 5 बार जाएगा कम्प्लीटली, तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे जीरो जो है टिक मारना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा अगर इस वाले उस पे तो सीधा ऐसे ही आएगा, एक नीचे प्राइम नंबर होगा उससे एक कम का फैक्टोरियल निकाला हुआ होगा और उसमें एक ऐड किया हुआ होगा, फिर आपसे रिमाइंडर पूछेगा, आपको सीधा जीरो टिक मार देना है। ठीक है, अच्छा इसका एक रिजल्ट और है स्टैंडर्ड, वो क्या है, वो ये कह रहा है कि आपने एक प्राइम नंबर लिया, ठीक है, उस प्राइम नंबर में से 2 माइनस किया, फिर जो नंबर आया उसका फैक्टोरियल निकाल दिया, तो फिर जो आपका रिमाइंडर आएगा ना वो क्या आएगा 1। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ ये आपका 5 है, 5 में से पहले आपने 2 घटाया यानी कि ये कितना आया 3, फिर उसका आपने फैक्टोरियल लिया, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 6, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो 6/5, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपने 11 लिया, ठीक है, इस 11 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा 9, अब 9 का फैक्टोरियल निकालोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा गाइस, और 1 ही आएगा, आप चाहो तो इसको चेक करके देख सकते हो, 9 × 8 × 7 × वो आप करके देखोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा ना गाइस वो कितना आएगा, वो हमेशा वो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं गाइस इस तरीके से 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फिर इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो देखो रिमाइंडर, तो ये मैंने गाइज मल्टीप्लाई पहले करके रखा हुआ था, तो ये आपका आएगा गाइज, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 70720। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप 11 का डिवाइड दोगे तो 11 6 जा 66 बचे 4, 7 11 4 जा 44 बचे 3, यहाँ पे 2 आ गया तो 11 2 जा 22 बचे 10, 0 आ गया, 11 9 जा 99, अरे सॉरी आपको दिखा नहीं, ये देखो, ठीक है, 11 9 जा 99, अब आपका रिमाइंडर कितना बचा 1, 11 6 जा 66 कितने बचे यहाँ पे 4, 7 इधर से लिया, ठीक है, 11 4 जा 44, ठीक है, 4 से 4 गया यहाँ पे बचे कितने 3, ठीक है, ये 2 आ गया, अब 11 2 जा 22, 10 बचा, 0 यहाँ से लिया, 9 99 1, ठीक है, तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 आ गया ना। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे कि अगर यहाँ पे आपको 13 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर
13 माइनस 2 यानी कि 11 यहाँ पर ऊपर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका फैक्टोरियल निकलवा के आपसे वो रिमाइंडर पूछता है, तो ध्यान रखना 1 आएगा हमेशा। ये विल्सन थ्योरम का क्या है, स्टैंडर्ड एक रिजल्ट है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाले क्वेश्चन जो है एसएससी में आ जाते हैं गाइस, ठीक है। तो और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना है, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स के लिए फ़िलहाल 2 चैप्टर के रेडी हैं, बाकी रेडी हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप यहाँ पे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूँगा। ओके, और अगर आप इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे क्लास दी जाती है, काफ़ी सारे बच्चे ले भी रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं गाइस। ओके, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, एंड बी हैप्पी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव फन।